दिल्ली प्रदेश कांग्रेस डेलीगेट व एडवोकेट सरफराज अहमद सिद्दीकी ने कहा कि भारत के इतिहास में आज का दिन यानी 20 अगस्त का दिन बेहद खास है। आज के दिन लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म दिवस मना रहे हैं। सरफराज अहमद सिद्दीकी ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं। उन्होंने देश में तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया, इसके तहत कंप्यूटर के व्यापक प्रयोग पर जोर डाला, जिसका प्रतिफल आज देखने को मिल रहा है। 20 अगस्त के दिन यानी आज देश सद्भावना दिवस के रूप में हर साल देश में मनाता है। इसे समरसता दिवस और राजीव गांधी अच्छे ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सरफराज अहमद सिद्दीकी ने कहा कि राजीव गांधी ने इकोनॉमिक सेक्टर को खोला था, देश में बड़े रिफॉर्म की बात किए। राजीव गांधी ने इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया था। इसके अलावा लाइसेंस सिस्टम सरल करना और कंप्यूटर, ड्रग, कपड़ा जैसे क्षेत्रों को सरकारी नियंत्रण से आजाद करवाया था। सरफराज अहमद सिद्दीकी ने कहा कि राजीव गांधी जी के कार्यकाल के बाद ही देश को समझ आया कि देश में निवेश बढ़ाना क्यों जरूरी है और खर्च करना भी देश की मुद्रा के लिए क्यों आवश्यक है। सरफराज अहमद सिद्दीकी ने कहा कि राजीव गांधी का विजन हमें आज भी प्रेरणा देता है। राजीव गांधी ने जहां देश की अर्थव्यवस्था के सेक्टर को खोला, वही मतदान उम्र सीमा 18 साल की, चुनाव में कई ऐतिहासिक बदलाव किए। राजीव गांधी ने पंचायती राज के लिए विशेष प्रयास किए, जिसकी आज मिसाल दी जाती है। सरफराज अहमद सिद्दीकी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत को आधुनिकीकरण के पथ पर ले जाने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत सहिष्णुता, सद्भावना और बलिदान की पहचान शांतिदूत तथा राष्ट्र निर्माता भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।